ठीक है चलो एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को. इधर देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसलिए मैं आपसे ये भी ले रहा हूं, इसको आप ट्राई कर सकते हो. सर क्वेश्चन समझा दो. समझा रहा हूं. देखो इसमें दिया है टू ऑब्जेक्ट्स, तो टू ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं कि भाई एक भाई हो गया M1 मास का और दूसरा जो है वो है M2 मास का, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है R1 है. उन्होंने दिया हुआ है कि टू, आराम से पहले समझ लो क्वेश्चन को, नोट कर लेना, मतलब नोट कर लेना, बोर्ड पे ले लो. टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज 4 टाइम्स एज मैसिव एज द अदर, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो M2 मास है वो 4 टाइम्स है M1 का. फिर आगे दे रखे आर अप्रोचिंग ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लॉ है अपना, ठीक है. आगे दे रखा है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 100 किलोमीटर, इनके बीच का जब डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, ठीक है, इनके बीच, ये केस वन है हमारा, केस वन में कह रहे जब R1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर है, तो ये जो छोटा वाला है ना M1, देखो आप लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर कौन है इसमें, M1 है, ठीक है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी कहता हूं मैं A1 है, ठीक है, कि इस केस में जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है. जब इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका उसका जो एक्सीलरेशन है कितना है 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पहली बात ये है. अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन, मतलब सेकंड केस है आपके पास, इधर पर आते हैं, सेकंड केस है जो हो जाएगा आपका M1 मास में तो कोई चेंज नहीं, M2 इज इक्वल टू 4m है, डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, कितनी कर ली है 25 किलोमीटर, देखो इसमें 25 किलोमीटर की हुई है. अब ये कह रहे हैं कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस 25 किलोमीटर कर दी है तो जो एक्सेलरेशन है इसकी बड़े वाले की मैसिव जो है ऑब्जेक्ट उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, आपको बताना है कि ये A2 कितना होगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोग समझो, देख लेना अच्छे से, ठीक है. अच्छा ये इसमें इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, है ना, अब और इक्वल मैग्नेट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. सो यहाँ से हम अगर ग्रेविटेशनल जो हमारा लॉ है उसका फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, gm1m2 / इस वाले केस के लिए क्या आएगा, r1 के स्क्वायर के, ठीक है सर, कर रहे हैं सर, हां करो आप, करो सॉल्व. अब देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं f/m1 तो ये आ जाएगा आपके पास g और ये जाएगा m2 और ये जाएगा r1 के स्क्वायर. आप में से कौन बता सकता है कि f/m1 क्या है, f/m1 क्या है इस केस में, ये भी इस पे एफ फोर्स लगा रहा है, इधर भी एफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखना चाहूं तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू एम1 एम1, इसका मतलब ये है कि a1 इज इक्वल टू कितना होगा, एफ डिवाइड बाय m1, तो ये एफ डिवाइड बाय m1 क्या है, इसकी एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन यहां पर लिख देंगे अपन a1, a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, gm2 डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर, ठीक है. अब इस केस में a1 कितना दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दी है ना इस वाले केस में, पहले केस में ये रखा एक्सेलरेशन कितनी दी है आपको, 1 दे रखा है, तो इसको 1 लिख दो आपको, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, gm2 / r1 का स्क्वायर, या फिर यहां से g निकाल लेता हूं मैं तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो r1 स्क्वायर डिवाइड बाय m, और इसको एक इक्वेशन कर देते हैं, क्या है समझ में इधर वाला, यस सर, समझ आ गया, यस सर, ठीक है, ये फार्मूला लगाया जो वैल्यूज दे रखी थी इस तरह से आ जाएगा, है ना. अब इस केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं अपन, तो केस 2 में भी वही करते हैं, f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय, अब की बार क्या करोगे, r2 का स्क्वायर करोगे, यस सर, ठीक है. अब देखो आप अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अगर मैं f / m2 लिख दूं और इधर लिख दूं g
m1 divided by r2 का स्क्वायर, तो ये m divided by m2 क्या है? a2. What? क्या है बताओ सर? a2 है, समझ में आ रही बात? अब m divided by m2 क्या है? a2. अगर यहाँ से लिखा जाएगा तो f equal to क्या है? m2 a2, न्यूटन सेकंड लॉ से, और a2 is equal to क्या आ जाएगा? f divided by m2, ठीक है? तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या लिख देते हैं अपन? a2 लिख देते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? अब ये जो g है, g आपने फाइंड आउट किया हुआ है, देखो ये रहा यहाँ पे सर 1 मीटर पर सेकंड इज द आंसर. g आपने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? तो g की वैल्यू रखो यहाँ पर, g की वैल्यू कितनी है? r1 स्क्वायर डिवाइड बाय m2, सही है? और इधर हम क्या है, m1 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर. आया समझ में? अब देखो और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा. तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई r1 डिवाइड बाय r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये दोनों का स्क्वायर. अच्छा m1 कितना है मेरे पास? m1 इज इक्वल टू कितना है? पर m, तो m1 की वैल्यू कितनी रख देते हैं? m रख देते हैं 4m. और m2 कितना है? 4m. 4m इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं? 4m रख देते हैं. इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? आगे देखो आप r1 की वैल्यू कितनी है? देखो r1 कितना? 100 किलोमीटर. r1 कितना? 100 किलोमीटर. r2 कितना? 25 किलोमीटर है. इसका स्क्वायर आ जाएगा √2 1 / 4 कर दो, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 16 / 4 आएगा, और ये कितना जाएगा? 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था. थोड़ा आपके आगे का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यू कैन लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. कोई आपको कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो डाउट. बाकी ये सॉल्यूशन है, इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है? है ना? इसमें मजा आया.